हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमकीन बूंदी की रेसिपी। ये बूंदी हम दही में डालते हैं और दही बूंदी बनाते हैं। आज मैं दो प्रकार की बूंदी बनाऊंगी, एक प्लेन सॉल्टेड बूंदी और दूसरी बूंदी होगी हमारी पुदीना फ्लेवर की। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा और एकदम गोल और क्रिस्प बूंदी आप पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप बेसन लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का एक टी कप ले लीजिए और सारे मेजरमेंट उससे कीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे बेसन को छान लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक। नमक हम कम ही रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3/4 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इससे ये इजीली मिक्स हो जाएगा और साथ ही हमें एक लम्प फ्री बैटर मिलेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, सारा एक साथ पानी ना डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी यूज़ किया है। आपका 3/4 से थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके बेसन पर। तो आप देखिए किस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए ये बैटर। तो इन टोटल 3/4 कप पानी मैंने डाला है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी बन जाए। तो आप चम्मच से इसे फेंट सकते हैं या इस तरह से हैंड ब्लेंडर से। मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए इस तरह से हैंड ब्लेंडर से मैं इसको मिक्स करूँगी। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये हमारा लाइट कलर का ना हो जाए और काफ़ी फ्लफ़ी ना हो जाए। तो लाइट कलर का हो जाएगा, मुझे करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे इस स्टेज तक पहुंचाने में विद द हेल्प ऑफ हैंड ब्लेंडर। तो नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा और फ्लफ़ी हो गया है। अब इसे मैं कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद आप देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे आप स्पून से मिक्स कीजिए और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट हम तेल गरम करेंगे और इस तरह का मैंने एक मोटा झारना लिया है, आप कोई भी ले लीजिए, उसी शेप की बूंदी आएगी। फिर इस झारने को हम तेल के बिल्कुल पास रखेंगे। तेल मेरा मीडियम हाई फ्लेम पे है। एक कड़छी की सहायता से मैं इस तरह से बैटर इसके ऊपर रखूँगी और अपने झारने को बिल्कुल नहीं हिलाना है। देखिए कितनी अच्छी बूंदी नीचे गिर के आ रही है। अब आप इसको इस तरह से दूसरे झारने से कंटिन्यूसली हिलाते रहिए और फ्राई कीजिए तब तक ये सुनहरे रंग की ना हो जाए, क्रिस्प ना हो जाए। करीब 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको, डिपेंड करता है आपने किस तरह का बर्तन लिया है फ्राई करने के लिए। जब भी आप झारने को यूज़ करें तो इस तरह से इसे साफ़ कर लीजिए। एक्स्ट्रा बैटर आप स्पून से निकाल लीजिए और एक साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए और तभी इसे यूज़ कीजिए। इस तरह से सेम रिपीट करना है हमने प्रोसेस, पर कभी भी इस झारने पे बैटर लगा हुआ ना हो, नहीं तो बूंदी अच्छे से बाहर निकल के नहीं आएगी। हर बार झारने को क्लीन कीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, और झारने को हमेशा तेल के करीब ही रखें, बहुत करीब भी नहीं पर बहुत दूर भी नहीं। और इस तरह से आप सारी बूंदी फ्राई कर लीजिए। तो हमारी प्लेन नमकीन बूंदी तैयार है, एकदम गोल और क्रिस्प। इसे मैं कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी। तो ये हमारी नमकीन बूंदी तैयार है। अब नेक्स्ट हम आधी बूंदियाँ लेंगे और उसको हम पुदीना फ्लेवर देंगे। तो ये सूखा हुआ पुदीना है मेरे पास, इसको मैं क्रश करके इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और जब भी मुझे रायता बनाना है उसमें मैं इसे डायरेक्टली डाल सकती हूँ और आधा घंटा दही में डाल के रखूँगी तो ये खुद सॉफ़्ट हो जाएगी, नहीं तो हल्के गुनगुने पानी से इसे निकाल के भी हम दही में डाल सकते हैं। तो जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तो आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख दीजिए। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो या आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।